सगीर अब्बास निश्तर अस्पताल मुल्तान में दम तोड़ गया। सगीर अब्बास को पुलिस तशद्दुद के दौरान सर में गहरी चोट आई थी। लाश डीएच के अस्पताल मुंतकिल। लवाहिकीन का अस्पताल के सामने धरना। उधर डीपीओ लैया उस्मान एजाज का कहना है कि चार पुलिस अहलकार जेर हिरासत है, तहकीकात जारी है, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चार पुलिस अहलकार हमारी हिरासत में है, उनका रिमांड ले लिया गया है। अदालतें जो मुजर अदालत है उसके रूबरू पेश करके हमारी तफ्तीश जारी है। इंशाल्लाह कोई पुलिस वाला हो, कोई सिविलियन हो, हम इंसाफ का बोलबाला करें। जिला इंतजामिया मुल्तान की जानिब से शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर कैटाइज लगाने का सिलसिला जारी। कैटाइज आवाम की आसानी के बजाय परेशानी का सबब बनने लगे। गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के टायर्स का कैटाइज में फंसना मामूल, शहरी परेशान। इसके फंस जाते हैं, बीच में मरीज बैठे होते हैं, लेडीज बैठी होती हैं और बहुत ही खतरनाक किस्म के, किसी दुनिया में और में किसी जगह भी नहीं लगे हुए। टायर गाड़ी की बॉडी टूट गई इसकी वजह से, और सवारी कोई मरीज होता है तो बहुत परेशानी होती है। और मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सफाई के काम को लग गई ब्रेक। सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाली 20 गाड़ियां हो गई खराब। शहर में सफाई की सूरत हाल बिगड़ने का खदशा।